क्या नाम है आपका? अजीत सैनी। अजीत जी, आप मृतक के क्या लगते हैं? जी छोटा भाई। आपने, आपके नाम से एक शिकायत दी गई है, उसमें क्या है, पूरा मैटर बताएं। उसमें ये है, सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास भाई मेरे सप्लाई लेके निकले थे। हमारी बेकरी है, चारवी बेकरी के नाम से, सोना रोड पे, वहाँ से सप्लाई लेके निकले थे साफ्टी के लिए। तो वहाँ पर उसी बीच भाई को कुछ पैसे देने थे, वो पैसे मंगाए थे छोटे भाई से, छोटे भाई ने बड़े भाई को पैसे दिए। तभी एक कॉल आई थी उनके पास, उन्होंने 12 बजे के आसपास उन्हें मीनार गेट बुलाया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। देन उसके बाद हमें कोई वो नहीं, हम रात को हमें पता नहीं था, तो सुबह हम कॉल उसकी इंक्वायरी लेने के लिए असावटी पहुँचे। तो असावटी से उनसे दोस्त के इंक्वायरी ली, दोस्त का घर बार पता किया, उनके पास पहुँचे। तो उनके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पे इनसे अंकित से मिला, देन वो वहाँ पे ले गया हमें द्विगौट चौकी से एक कॉल आई थी। तो फिर हम वहाँ से गए, मैं उसका दोस्त दीपक और सचिन, जो साफ ठीक है, दीपक और सचिन, हम तीन लोग पहुँचे थे वहाँ पे सबसे पहले। तो वहाँ पहले ही पुलिस ऑलरेडी थी, तो वहाँ पे हमें पता चला कि भाई की ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है। तो इसमें किसी ने इन्हें मारा है या फिर पुरानी रंजिश के चलते कुछ ऐसा? किसी ने मारा ही है, गोली लगी है उन्हें। तो कोई पुरानी रंजिश? जी कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनकी कोई भी। किसी पे कोई शक? शक वगैरह कुछ भी नहीं है, इनसे बस पेमेंट लेनी थी वही है, और हमें कुछ कोई शक या कोई लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं थी। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? पुलिस सर अभी बोल रहे हैं कि इंक्वायरी कर रही है, अभी जैसे कुछ कहेंगे वैसे पता चलेगा, अभी तो इंक्वायरी चल रही है। बोल रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तीनों लड़के पकड़ लिए गए हैं। जो तीन जिनके कॉल डिटेल्स निकली है वो पकड़े गए हैं? कॉल डिटेल नहीं, जो उन्होंने तो हमें बता दिया, तो कॉल डिटेल निकलनी अभी बाकी हैं या निकल गई होंगी, हमें उस चीज़ का कुछ पता नहीं। कौन लोग हैं जो पकड़े हैं इन्होंने? वो उसके मित्र थे, दो तो दोस्त थे उसके साथ, और जो तीसरा अंकित था वो इनका किसी के थ्रू था, उन्हें जानते नहीं थे। तो उन तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा जी। छाती में गोली लगी है, कमर में गोली लगी है, छाती में से निकली है, क्या गाड़ी में गोली लगी है। अब ये क्या कहा जा सकता है, वहीं मरी है या रस्ते में मार के ले गए, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कह सकता। तब तीस का मामला जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा, मुझे मैं सर गिरफ्तार हूँ। किस तरह की शिकायत आपको मिली? शिकायत हमें गुमनाम आदमी के द्वारा गोली मार के हत्या की गई है।